छिड़ी चूक दिनाल जान तुरे पंदे नाजरीन मैं तुहाडी मेज़बान सिदर आजम हाजिर हाँ सोने वर्गे हाथ नाल बनाई हुई एक नवी खूबसूरत ते पुरकशिश इजाद लैके। नाजरीन उम्मीद है तुसी साडा प्रोग्राम बड़ी दिलचस्पी नाल वेख रहे होवोगे। साडा प्रोग्राम सोने वर्गे हथ उन्हां लोकां नूं खराजे तहसीन पेश करदा है जिन्हां ने साडियां रवायतां साडी सकाफत ते साडे रस्मो रवाज नूं जिंदा रख्या होया है। नाजरीन सब तो पहला मैं तुहानूं वहावांगी एक खूबसूरत जिहा प्रोग्राम जिहदे नाल ना सिर्फ लोकां दा कारोबार चलदा है बल्कि सब तो वध के साडा कल्चर जिंदा है। इंसान ने अल्लाह ताला दी बनाई हुई हर नेमत का भरपूर फायदा चुकया पर असी इंसान ही अल्लाह ताला दे हुक्म नाल इस सरजमीन उत्ते अपने लिबास ते अपने रहन सहन ते अपने खान पीन ते ध्यान दिता। नाजरीन मेरे नाल साडी को कंपेयर इकरा मलिक तुहानू वहावन गया साडी सकाफत नाल जुड़िया सोने वर्गे हाथ नाल बनी हुई एक खूबसूरत जी इजाद आओ प्रोग्राम वेखने हैं। नाज़रीन अल्लाह ताला ने इंसान नू दुनिया च पैदा किया तो इहदी जरूरियात का मुकम्मल बंदोबस्त भी फरमा दिता तो इंसान ने जरूरियात तो फायदा चुकते हुए सब तो पहला तन ढकन वास्ते कपड़े का इस्तेमाल किया फिर दूसरी सनत मादनियात लोया पित्तल कपाह तांबा इन्हों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिता। अगर असी माजी च वेखिए तो मिस्र दे विच लोकी बूटियां तो लीलन का कपड़ा हासिल करते स जिहड़ा धुप छां तो बचांदा सी फिर यही कपड़ा कपाह तो लहना शुरू कर दिता फिर कपाह तो तागा बनाने वास्ते एक मशीन इजाद की गई तो तुसी सोच रहे होगे मैं किदी गल कर रही हाँ। मैं गल कर रही हाँ उस मशीन दी जिहड़े साडे सोने वर्गे हत्थां ने बनाई है तां मैं वो मशीन वहानी हाँ तुसी वेखी होएगी मशीन यह मशीन हैगी है यह चरखा। नाजरीन तुसी वेखदे होगे यह चरखे की तारीख जिहड़ी हैगी है वह बहुत पुरानी हैगी है। नाजरीन यह चरखे की तारीख इस तरह पुरानी है कि साड़ी लोक कहानियाँ साड़ा तसव्वुफ साड़ी नानियाँ दादियाँ यह चरखे की गल्लां करदियां होईयां आईयां ने। तो नाजरीन तुसी यह भी सुनिया होएगा कि चंद एक माई बहिंदी है जिहड़ी चरखा कतदी है यह चरखा अल्लाह ताला नाल भी मनसूब किया गया है कि जो चरखा चलता वे तो यदि अल्लाह की कूक आती है। तो नाजरीन यह चरखे के बारे मजीद गल्लां करांगे वेखांगे किस तरह बनया वे तो साड़ी नानियाँ दादियाँ किस तरह कतदियां सन साडे नाल रहो। जमाना मिस्र विच बूटियां तो लीलन का कपड़ा तैयार किया जाता सी फिर बदलते वेले दे नाल कपड़ा कपाह तो तैयार किया जान लगा। कपाह तो कपड़ा तैयार करने वास्ते मशीन तैयार की गई किसान खेतीबाड़ी करके कपाह उगाते ने ते जनानियां खेतों विचों कपाह चुंदियां सन फिर कपाह तो फटियां वखा करके रूई पिंजी जाती है इस रूई के फिर गोले बनाए जाते हैं फिर एदियां पूनियां बना के चरखे ते कत्या जाता है यानी यह दुनिया में इंडस्ट्री सनत ते लखा लोग एदे नाल जुड़े हुए हैं अपना रोजगार कमा रहे हैं एदे विच बड़ी जिद्दत आ गई है मगर अज भी साड़ी सकाफत साड़े बोलां दे विच शामिल है। नाजरीन चरखे की तारीख कितनी पुरानी है उदी पहली शक्ल किस तरह की सी कुछ अंदाजा नहीं हैगा लेकिन नाजरीन मिस्र रूम फ्रांस दुनिया के कई मुल्कों में चरखा तागा बनाने का सिर्फ एक जरिया सी ते लोकी सर्दी गर्मी तो बचन वास्ते अपने हाथ नाल कपड़ा बुनते सन ते चाइना विच रेशम के कीड़े कोलों कपड़ा हासिल किया जाता सी ते अज भी रेशमी कपड़े बनाए जाते हैं। बरे सगीर पाको हिंद 1770 विच चरखे की इजाद हुई ते लोका हाथ नाल तागे बनाने शुरू करते। नाजरीन जो चरखे ते रूई तो तागा बन जाता है ते इन बाजार विच जाके फरोख्त किया जाता है ते फैक्ट्री ते बंदे इस तागे नू खरीद लेंदे ने फिर पहले हाथ नाल बनाई जाने वाली खड्डियां ते इस्तेमाल होंदा सी इस दे नाल खेस चादरां ते पान वास्ते कपड़े नू बनाया जाता है। हुण चरखा एक मुकम्मल सनत इख्तियार कर चुकिया है। Thank you.
इस वेले साडे सामने कपाह मौजूद है, फुटियां मौजूद ने। तुसी देख रहे जे कि साडा एक दोस्त जिहड़ा ये कपाह वेल रहा है, फुटियां नूं वड़ेवें थले डिग रहे ने और जिहड़ा रूह बन के साफ जिहड़ा वह बाहर आ रहा है। जिस वेले ये रूह बन जाणा, बनन तो बाद फिर इहनूं असी चंबणी पईए रूह दे उत्ते, इस चंबणी दे नाल असी इहनूं चंबांगे और उस तो बाद पूणियां बन जाणगियां। पूणियां बनन तो बाद फिर असी वेल जिहड़ा चरखा है, चरखे ते जाके असी इहनूं पूणी नूं नाल ला के तरकले दे फिर इहदी तंद बनावांगे। तंद जिस वेले बन जाएगी तो फिर एक छली बनेगी जिहनूं मुढ़ा भी कहिंदे ने, और ये साडा जिहड़ा सारा फिर चरखे का जिहड़ा अगों प्रोसैस। चरखा जिहड़ा कि हर सूफी बजुर्ग ने भी चरखे दे उत्ते गल कीती है, मगर अज असी ये जानकारी करांगे कि चरखा जिहड़ा बनया इहदे विच जिहड़े इहदे मुख्तलिफ हिस्से ने इहनां नूं बनाया गया और हर हिस्से का अपना एक नाम है। चरखे दे विच सब तो पहले थले इहदियां जिहड़ियां दो लकड़ियां ने, इहनूं छोटी काड़ और इहनूं वड्डी काड़ कहा जाता है। बाज़ लोग जिहड़े ने इलाकाई जबानां ने इहनां नूं थड़ी भी कहिंदे ने, छोटी थड़ी और वड्डी थड़ी। चरखे जिहड़ी आ लंबी लकड़ी है, इहनूं तीर दा नाम दित्ता जांदा है। गुड्डी, इहनूं भी गुड्डी दा नाम और चरखे च है गुड्डे दा किरदार। बाज़ इलाकियां च इहनां नूं मुनिया कहा जांदा है और इहनूं मुन्ना कहा जांदा है। इहदे नाल ही है तकला, बाबा जी वारिस शाह भी इहदे मुतलक लिखिआ है कि वारिस शाह वल पिआ तरकले नूं, सीधा होवे ना बाज हठोलीए नहीं। जिहड़ा इह चमड़े दा छित्तर हुंदा है, जुत्ती हुंदी है, इह अगर डिंगा हो जावे तो इह चमड़े दी जुत्ती दे नाल इह जिहड़ा तकला है सीधा हुंदा है। इहदे नाल इह बीड़ा है, इस नूं चरमख कहा जाता है। इहनू बाज़ लोग निमदा कहिंदे ने, इहनू बीड़ा भी कहिंदे ने, पलंदा भी कहा जाता है। और इह चमड़े दीआं बणीआं ने दोनों, इस वास्ते इहनां नूं चरमख कहा जाता है। यह जी सब तो लम्मी जी इहदी तंद है, इहनू माल कहा जाता है। ये माल की मदद के नाल ये जिहड़ा चरखा घूमदा है, जिहदे उत्ते माल चलदी है इहनू बैड़ कहा जाता है, और जिहदे विच इह बैड़ पैंदी है ये वड्डे ने, विड्डे भी कहा जाता है इहनां नूं। फिर यह साडे कोल चरखा एक पोर्शन इहदा इह वी है, इहदे विच इह दो हिस्से ने, एक चक्कर इह वी है, एक इह वी चक्कर है, और इह अलहदा अलहदा लकड़ियां ने। इहनां लकड़ियां नूं थर कहा जाता है, और जिस वेले ये दो चक्कर दो थर आपस च मिल जाते हैं फिर एक खरंबड़ बन जाता है, और ये ढोल है, ढोल दोवें चक्कर आपस च मिले फिर ये खरंबड़ बन गया। ये नाल मुन्ना है, इधर भी एक मुन्ना है, ये नाल छोटी लकड़ी एक इधर भी लगी होंगी और एक इस साइड पर भी लकड़ी लगी है। इन्हों ठल्ला कहा जाता है जिड़िया के दोनों तरफ सपोर्ट देंदिया ने, इनू अगे पिछे नहीं निकलन देंदिया, और ये लठ का किरदार अदा कर रही है। तो नाल ये हत्था है, ये हत्थे दे नाल जिस वेले चरखा घूमदा और फिर सारा एक किरदार हुंदा है। अगे पूनी आ जाती है, पूनी दे नाल फिर असी इनू पूनी नू नाल ला के तंद बनावांगे। तंद बनाउण तो बाद फिर चरखे की छली बनेगी और इस तरह करके फिर वह धागा बन जाएगा तो साडे इस्तेमाल च आ जाएगा। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾ ਤੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੂਤ ਵੀ ਕੱਤ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਤ ਕੱਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ? 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੱਟਿਆ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
नाजरीन अगर सूफिया के कलाम की गल करिए तो पीर वारिस शाह का ज़ेहन जिक्र आता है। तो नाजरीन आओ चलो हूँ असी पीर वारिस शाह का बड़ा खूबसूरत कलाम सुनने हैं हसनैन अकबर ते मोहम्मद असलम बाहू को। चिड़ी चूक दिनाल जान तुरे पंदे बइयां दुध दे विच मधानियां नी सुबह सादक होई जदवान रोशन तदों लालियां चचलानियां नी कारबार ना चक्कियां चोटियां नी जिन्ना तामना गुन पकानियां नी कारोबार विच रुझा जहान सारा चरखे कत दिया उठ सवानिया गल हैंकला अजब सुहाया नी ओ
ਕਿਸੇ ਰਜਵੰਸ ਦਾ ਓ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਤੁਧ ਥੀ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਤਰਿੰਜਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਭੌਂਦਾ ਅੰਤ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਪਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਛਾਇਆ ਨੀ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਧਾਗਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਜੁਲਾਹੇ ਐਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਖੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਸ ਅਤੇ ਪਾਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜੂੰ ਜੂੰ ਸਨਅਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਖੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਅ ਪੀਸ ਵਾਂਗਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਚਰਖਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਬਹਿਤਲ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਵੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕੂਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਵਾਂਗੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵੋ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਚਿੜੀ ਚੂਕ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਰੇ ਪੰਦੇ